हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिव्यू करेंगे द ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस का। ये लेटेस्ट एडिशन है ओरिएंट ब्लैक स्वान का, सेकंड एडिशन है ये। तो ये मैंने हाल ही में लाया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। दोस्तों, इस मैप में क्या लेटेस्ट मैप्स आए हैं, जो यूनियन टेरेटरी बनी है जो जे एंड के और लद्दाख की, इसी के साथ दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव की। तो चलिए देखते हैं इस एटलस में क्या क्या दिया गया है। मैं दोस्तों, इस एटलस में हमें पहले इंडिया दिए, देखिए इंडिया के मैप दिए गए हैं सारे, अलग अलग फिजिकल मैप दिया गया है, पॉलिटिकल मैप, और फिर सारे स्टेट्स ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न सेंट्रल साउदर्न स्टेट्स का अलग अलग मैप दिया गया है। इसके बाद इंडिया के फोटोग्राफ्स कहाँ कितना निकलता है, या रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर, सबके बारे में बताया गया है। इसके बाद अलग अलग कंटिनेंट्स के बारे में, इसके बाद वर्ल्ड के बारे में आगे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए एक इंडिया का फिजिकल मैप ये दिया गया है, तो बहुत ही क्लियर मैप दिया गया है और कलरफुल भी है। इसमें हर कोई जगह मार्क की गई और आप आसानी से ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये फिजिकल मैप है इंडिया का, इसी तरह पॉलिटिकल मैप भी ये मार्क किया, कलर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कलरफुल बनाए गए हैं मैप्स को, तो आसानी से आप इसको देख सकते हो। और इस बुक की अहमियत यह है कि आपको ये जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि आजकल यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम इसमें से आते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये मैप अलग करके दिया गया, इसमें हर कोई जगह मार्क की गई है। इसी तरह राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसका मैप भी अलग अलग दिया गया है। इसी तरह बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर यूपी, मध्य प्रदेश, हर कोई मैप अलग अलग दिया गया है, सारी स्टेट्स का मैप। इसके बाद इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये देखिए ये फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे वेस्टर्न हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, वेस्टर्न प्लेन्स है, डेक्कन है, इसी तरह ईस्टर्न स्टेट्स जो है, इसी तरह यहाँ पर ये रिवर्स दिए गए हैं, कौन कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो करता है वो सब इसमें दिया गया है, और नीचे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिया गया है। इसी तरह इंडिया में जो नेचुरल हजार्ड से उनके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर सोपोर, डेट 30 मई 1885, मैग्नीट्यूड दिया गया है इस अर्थक्वेक का 7, डेथ टोल और 3000, इसी तरह हर किसी जगह का दिया गया है। इसके बाद क्लाइमेट के बारे में बताया गया है, एनुअल रेनफॉल, टेम्परेचर के बारे में, इरिगेशन, पावर जनरेशन, इंडिया रेनफॉल, विंडस, टेम्परेचर, प्रेशर, डायरेक्शन कहाँ से क्या, सब कुछ इस मैप में आपको दिया गया है। क्रॉप्स के बारे में बताया दिया गया है, ये देखिए मिनरल्स कहाँ कौन से मिनरल्स निकलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, वो सब कुछ दिया गया है। ये देखिए रोड कनेक्टिविटी इंडिया की, कहाँ से कौन सी नेशनल हाईवे जाती है, ये सब कुछ दिया गया है। रेलवेज़ के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये देखिए वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इसमें सारी जो नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ पर मार्क कर दी गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिए गए हैं, रिलीजन, और एक और अच्छी बात इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया है, जैसे और इसके बाद ये देखिए इंडस, ये हिस्टोरिकल मैप्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसका मैप दिया गया है। ये देखिए एम्पायर ऑफ अशोका, उसके बारे में आपको बताया गया है। ये देखिए एम्पायर ऑफ गुप्ताज की एम्पायर कहाँ कहाँ से थी, वो सब कुछ आपको इसमें, इस बुक में सब कुछ दिया गया है। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तगलों की किंगडम कहाँ से थी, या एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, वो सब कुछ आपको
इस बुक में दिया गया है। इसके बाद सार्क कंट्रीज़ के बारे में वो सब कुछ दिया गया है, एशिया का मैप, और फिर इसके बाद सारे कंटिनेंट्स की इसमें मैप दिए गए हैं, उनकी इकोनॉमी सब कुछ बहुत ही कलरफुल है। आई होप कि आपको वो ये रिव्यू मदद करेगा आपको डिसीजन देने में कि आपको ये लेना चाहिए लेना लेना चाहिए, मदद करेगा। ये देखिए यूरोप का फिजिकल पॉलिटिकल, इसी तरह हर किसी कंटिनेंट का इन्होंने मैप दिया गया है, उसके सारे क्लाइमेट इकोनॉमी सब कुछ। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी, साउथ अमेरिका, इसी तरह। तो इसके बाद वर्ल्ड का मैप भी दिया गया है, पॉलिटिकल मैप, ये दो पेज भी दिया गया है, पॉलिटिकल मैप है ये, बहुत क्लियर है हर कोई चीज़ यहाँ पर। इसी तरह ये फिजिकल मैप है वर्ल्ड का, ये भी दिया गया है। और ये देखिए ड्रेनेज बेसिन वर्ल्ड के, वर्ल्ड डेंसिटी, पॉपुलेशन, और इसके बाद वर्ल्ड के जो हिस्टोरिकल मैप्स है वो भी दिए गए, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, नाइल वैली सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, उनके मैप जो वो दिए गए। और उसके बाद हर किसी कंट्री की स्टेटिस्टिक्स दी गई है, जैसे यहाँ पर अल्जीरिया है, कैपिटल इसका एरिया, पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, करेंसी क्या है, या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हर किसी का वो स्टेटिस्टिक्स, कंट्री का स्टेटिस्टिक्स दिया गया। दोस्तों इस बुक की एक और खासियत है, इसके साथ आपको एक की देते हैं, ये देखिए लाइसेंस की, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इसकी ऐप ऑरेंट ब्लैक से सोएन ऐप डाउनलोड करके इस की में की को उसमें एंटर करके आपको वहाँ पर बहुत से एनिमेशन दिए गए हैं, और यूपीएससी के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ उस पर दिए गए हैं, 10 ईयर्स यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों ये बुक मैंने अमेज़ॉन से लाई थी, मुझे पड़ी थी 210 रुपये में। सो अभी चल रहा है शायद डिस्काउंट चल रहा है 16-20%, अभी आप ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन से। आई होप कि आपको ये मेरा रिव्यू आपको डिसाइड करने में कि आपको ये बुक लेनी चाहिए नहीं, बहुत मदद करेगा। थैंक यू।